परिभाषित किया है। दोनों ही परसियाँ, दोनों ही के दोनों डेफिनेशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से एकाकार होते नज़र आ रहे हैं। दोनों फिजिकल मेंटल फिटनेस की बात कर रहे हैं, और जब ये फिटनेस होगा, वेल बीइंग होगा, तो हैप्पीनेस होगा, और तब हमारा और हमारे सराउंडिंग के प्रति गुड रिलेशन भी होगा, इंटरेक्शन भी बढ़िया होगा। हमने 5 क्वेश्चन पहले पीडीएफ में डाले थे, मैं आशा करता हूँ कि आपने उस पर डिस्कशन किया होगा, उसका अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ज़रूर कर लीजिए, एक एक प्रश्न पर विचार करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खुद से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनका अध्ययन करिए। इस स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए आप उन सारी सीमाओं को तोड़िए कि हमारे टेक्स्ट बुक में कितना लिखा हुआ है, परीक्षा के लिए उसको अपने तैयारी के लिए उतना रखिए, लेकिन अपने ज़िंदगी की तैयारी के लिए, इस समाज में सस्टेनेंस के लिए, समाज में अपने सर्वाइवल के लिए, इस समाज के सर्वाइवल के लिए उसको पढ़िए, बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के पढ़िए। आयुर्वेद के ग्रंथ मिल जाए उनको पढ़िए, मॉडर्न मेडिकल साइंस के बुक्स मिल जाए इष्ट मित्रों के पास, घर में बड़े भाई बहन पढ़ते हैं तो उससे लेकर के पढ़िए, इंटरनेट पर सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, मगर पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे मज़ा भी आएगा, और आपके सामने जो चुनौतियाँ खड़ी हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे इस हैप्पीनेस के साथ करें, इसकी भी कैपेबिलिटी आएगी। तो इस विश्वास के साथ कि आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, और WHO और द्वारा दी गई परिभाषा और आयुर्वेद में दी गई परिभाषा आप दोनों याद कर लें तो और अच्छा रहेगा। इस विषय पर पढ़िए, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हमसे हमारा स्वास्थ्य छीन क्यों जाता है। अगर स्वस्थ होना हमारी स्वाभाविक दशा है तो हम अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, व्हाट इज इलनेस, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।